वाराणसी से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं, क्या कुछ होगा दिन भर वाराणसी में। हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने बातचीत की है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, कि जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के। रोलिंग इलेक्शन एक्सप्रेस वाराणसी में है और यहाँ आज नरेंद्र मोदी के जबरदस्त रोड शो की तैयारी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत बाजपेयी। स्वागत है सर आपका इलेक्शन एक्सप्रेस में। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बिन इजाजत के रोड शो की रातों रात तैयारी कर ली है बीजेपी ने, ये तो चीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन के साथ। हमने कोई तैयारी नहीं की है, हमने तो आयोग के से ही आग्रह किया था कि न्याय दिलाए और यहाँ का रिटर्निंग अफसर हमको न्याय नहीं दे रहा है, हमारी परमिशंस को बिना किसी कारण के निरस्त कर रहा है। और हमारे तो एक तर्क का जवाब रिटर्निंग अफसर पर नहीं है कि बेनियाबाग की परमिशन लास्ट में जिस कारण से निरस्त की है वो कारण पहले क्यों नहीं था, चार कारण बदलने के बाद चौथे कारण पर आज निरस्त की है। इसलिए रिटर्निंग अफसर की निष्पक्षता पर हमें संदेह है और हम उसके विरोध में आज लंका पर धरना देंगे। हमारा कार्यक्रम तो केवल मात्र इतना है, बाकी जिन कार्यक्रमों की परमिशन उन्होंने समय समय नहीं दी हमने उन कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। आज सुबह 11 से 1 तक हम धरना देंगे रिटर्निंग अफसर की निष्पक्षता के विरोध में, और हम धरना देंगे चुनाव आयोग द्वारा हमको संरक्षण न प्रदान करने के संबंध में। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही, अगर इजाजत डिनाई हो गई तो डिनाई हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को बीजेपी क्यों चैलेंज। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेंज करने की न मंशा है न आवश्यकता है, लेकिन लोकतंत्र में और चुनाव की प्रक्रिया में जो हमारे अधिकार हैं, यदि कोई उस अधिकारों को डिप्राइव करेगा तो लोकतंत्र के माध्यम से धरने के माध्यम से हम उसका प्रतिरोध करें। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, हम कोई और असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपना रहे। और उसके बाद जो बेनियाबाग की वहाँ की रोहनिया की हमारी सभा है जिसकी हमको अनुमति दी, उस सभा को मोदी जी करेंगे और उसके बाद मोदी जी अपने कार्यालय जाएंगे।